हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग टिप एंड लाइन में आपका बहुत 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 स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टाइटल है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन से गाइड्स लेते हैं, क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, आर्क एंजल्स, होली स्पिरिट, गार्जियन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ फैंस। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओ, रिग्रेट है इस पर्सन को। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन्स। ओके, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में। ओ, इट ऑफेंस। ओके, ओके, सेवन ऑफ कप्स। ओ, टॉक्सिक। ओके, पता है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करते रहो, जो सोचते पॉजिटिव सोचे, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। तो ऑनेस्टली ये रीडिंग में जब मैं सफल करी थी, मैं यही सोच रही थी कि फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड जरूर आने वाला है आज। और देखो, सोच ही रही थी और ये कार्ड आया। सीरियसली फ्रेंड्स, आप हमेशा है ना पॉजिटिव रहिए। मैं कहती हूँ ना कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही आगे आता है। मैं यही सोच रही थी कि डेथ रिबर्थ की एनर्जी आई है। बॉटम में है टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस भी आया है, या फिर वो खुद ही आप डिस्टेंस रखे हुए हैं आपसे। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में फ्रेंड्स, देखते हैं रीडिंग। तो आज की रीडिंग में मेजर रखाना कि एम्परर आए, एरिस की एनर्जी, डेथ है स्कॉर्पियो की एनर्जी, इसके अलावा फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे जोडियक साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करते हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की। देखो यहाँ क्या है, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स है। तो हो सकता है ये पर्सन ना कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं, और ये पर्सन ना आपको भी कंफ्यूजिंग स्टेट में रख रहे हैं। आपको भी पता नहीं कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड सीन में, क्या चल रहा है। बहुत इन्फ्लुएंस है लोगों का इस पर्सन पे, कुछ फैमिली वाले हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो, या कुछ थर्ड पार्टीज है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस है इस पर्सन पे, बहुत सारे लोग इस पर्सन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये पर्सन ना लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, मीन्स नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी है ही नहीं इस इंसान की जिंदगी में, और बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फेल्यूअर की एनर्जी है, कहीं कुछ ठीक ठाक हो ही नहीं रहा है इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त। लेकिन फिर भी ना ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, दे कांट स्टे अवे एनी लॉन्गर फ्रॉम यू। ओके, कभी भी ये इंसान आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत सोचते रहते हैं आपके पर्सन आपके लिए, और हो सकता है ये पर्सन ना इस वक्त आपसे कुछ कोल्ड बिहेवियर हो, उनका कुछ ठंडा बिहेवियर हो, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। मैंने कहा ना कि आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में रख रही है पर्सन, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ना आपके लिए बहुत डीप फीलिंग है। देखो यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है। एम्परर कैसे होते हैं, एम्परर भी ऐसे थोड़े प्रैक्टिकल टाइप पर्सन होते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं ना जो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। साइलेंट मोड वाले होते हैं, मोड वाले होते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो ये पर्सन, ऐसे हो सकते है। और ये पर्सन ना हो सकता है कि अपनी फैमिली या सबके सामने हैप्पी होने की एक्टिंग कर रहे हो सोशल मीडिया में, हो सकता है कि अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हो ताकि सबको ऐसा लगे कि चलो ये भाई तो, ये बंदा तो हैप्पी है, बहुत खुश है, कूल ड्यूड है, कूल पर्सनालिटी है, एकदम टेंशन फ्री है, पॉजिटिव है, ऐसी एक्टिंग करने वाली। देखो ये एम्परर भी थोड़े एक्टिंग वाले भी होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये दोनों एनर्जी ऐसी होती है। तो हमारी रीडिंग का टाइटल क्या था कि क्या चल रहा है। तो ऐसे इंसान को जो खुश होने की एक्टिंग भी कर रही है, ये भी एक एम्परर भी एक्टिंग वाली एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी खुश तो नहीं है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये एक फेकिज्म दिखा रही है सबके सामने कि हैप्पी है, लेकिन हैप्पी नहीं है। ओके, हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कुछ करेक्ट नहीं किया, अच्छा बिहेवियर नहीं किया, उन्हें आपकी वैल्यू बहुत रियलाइज्ड हो रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि
बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन को आपके लिए, रियलाइज किया है इस पर्सन ने, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे कि अब ये समय कुछ राइट नहीं है एक्शन के लिए, या फिर ऐसा भी सोच रही हो कि अब लेट हो, ये इंसान लेट है, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुका है, कुछ सही नहीं हो सकता, ऐसी थिंकिंग उनकी चल रही है। या मैंने क्या कहा, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी आई है कि इट्स टू लेट टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, ओके। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। देखो डेथ की एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, रीबर्थ की एनर्जी होती है। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू ओपन अप, इजी नहीं है ये सारी चीजें। देखिए मैंने कहा फाइव ऑफ सर्ट्स मीन्स बहुत उथल पाथल है इस पर्सन की लाइफ में, और ऊपर से एम्परर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है, डेथ की एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी आई है, लेकिन फिर भी इस इंसान के लिए सब कुछ इजी नहीं है, सब कुछ उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, फिगर आउट करने पड़ेगा। दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस आप दोनों को रखना पड़ेगा। आपके पर्सन गिव अप नहीं कर रहे, देखो डीप डाउन वो खुद भी उनमें बहुत आशा है। देखो यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये सोच जरूर रहे हैं, वो खुद भी गिव अप तो नहीं करना चाहते जा रहे, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी आई है इस पर्सन को ना, लव और रिजेक्शन, लव और फियर दोनों के बीच में पड़े हुए हैं। मीन्स लव है लेकिन फियर भी है उनके दिलो दिमाग में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगी, रिजेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि उनका बिहेवियर शायद कुछ कोल्ड बिहेवियर रहा हो, तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अब मैं जाऊं ना तो भी ये मुझे रिजेक्ट ही कर देगी, ऐसा सोच रही होगी ये पर्सन। लेकिन आपके उनकी लाइफ में ना आपकी बहुत स्पेशल प्लेस है, स्पेशल जगह है उनकी लाइफ में आपके लिए फ्रेंड्स, और आपके जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, भले ही उनकी लाइफ में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन आपके सोच में आपका जब भी ख्याल आता है ना तो बहुत खुश हो जाता है ये पर्सन। स्ट्रांग कनेक्शन जरूर फील कर रहे ये पर्सन, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप ही इस पर्सन को खुश कर पाओगे, कोई दूसरा इस पर्सन को खुश नहीं कर पाएगा। अगर उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शन है तो फिर भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, हर्ट बहुत है ये पर्सन। अगर इस इंसान ने सब कुछ मैस्ड अप किया था ना तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट है इस बात का, और अगर उन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया था ना तो हो सकता है कि इस पर्सन को उस रॉन्ग डिसीजन का बहुत पछतावा है। लेटिंग यू गो वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक, आपको जाने देना वो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत गिल्टी गिल्टी फील कर रही है ये पर्सन उसके लिए, ठीक है। देखिए ये पर्सन ना एक्ट ऐसे कर रहे है जैसे वो ओके है आपके बिना, कूल है, लेकिन ऐसा नहीं है, डीप डाउन बहुत सफर कर रही है। देखो मैंने क्या कहा था एम्परर की एनर्जी है, लेकिन डीप डाउन बहुत सफर कर रही है, भले ही फैमिली के सामने खुश रहने की एक्टिंग कर रहे हो, भले ही सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुखी है ये पर्सन ना, चीजों को सही जरूर करना चाहता है। तो हो सकता है कि आप में से कई लोग मैरिड भी हो, चिल्ड्रन भी हो आपके लिए, लेकिन सब कुछ दे वॉन्ट टू मेक थिंग राइट बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। चिल्ड्रन कैन बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, तो आपके साथ अगर शादी नहीं हुई तो शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है फ्रेंड्स से। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है तो एक्शन की तो एनर्जी जरूर आएगी, पर्सन एक्शन तो जरूर लेना चाहते हैं, ओके, और चीजों को बदलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी आया है तो रीयूनियन तो जरूर चाहते हैं ये पर्सन। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है तो मैसेज और कॉल तो जरूर करें। देखो यहाँ बॉटम में रूल करा है टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी, वैसे ये भी ऑप्शन की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की ऑप्शन की एनर्जी होती है, फाइव ऑफ कप्स भी ऑप्शन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन तो बहुत थे, जरूर थे। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई, सोच जरूर रहे हैं, कुछ प्लान्स और आइडिया बना रहे हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं ये पर्सन एक्शन। और देखो यहाँ पे ओ वाओ, इसके नीचे भी सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये एक्शन की है, ये भी मैरिज की एनर्जी होती है, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी मैरिज की एनर्जी होती है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो जरूर ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं,
और यू आर अबाउट टू गेट रिसीव अ क्लैरिटी यू नो अबाउट द सिचुएशन फ्रॉम समवन हु गोस्टेड यू और हु हर्ट यू. अगर इस इंसान ने आपको गोस्ट किया था, हर्ट किया था, तो क्लैरिटी जरूर देगी ये पर्सन आपके. एक्शन के भी एनर्जी आई है. इस पर्सन ने रियलाइज किया है कि उन्होंने सब कुछ मैस्ड अप किया है और उन्हें ही सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा, सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. न्यू बिगनिंग तो जरूर चाहती है ये पर्सन, तो कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे, रीच आउट जरूर करेगी ये पर्सन. ओके और हो सकता है कि कुछ गिफ्ट भी लाए आपके लिए. और आ रही है मीन्स रिटर्निंग, योर पर्सन इज रिटर्निंग. ओके दे वांट टू सी यू, दे वांट टू हियर योर वॉइस, दे वांट टू स्पेंड अ टाइम विद यू. बहुत अच्छी एनर्जी, तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, मैसेज कॉल ईट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये भी एक्शन की एनर्जी आई है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, शादी की एनर्जी आई है, और यहाँ टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी, सोच जरूर रहे हैं. और फाइव ऑफ कप्स, लॉस और रिग्रेट बहुत है इस पर्सन को, क्लैरिटी जरूर देगी. और डेथ की सबसे बड़ी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी, तो मैं कहूंगी डेथ की एनर्जी. टैरो में डेथ में रिबर्थ की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है. अगर रिश्ता टूट गया था तो रिश्ता फिर से शुरू होगा. बहुत अच्छी एनर्जी होती है फ्रेंड्स, डेथ की एनर्जी होती है. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेजोनेट होती है तो लीजिए, जनरल रीडिंग है. अगर रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टेक केयर.